ओम शांति। आज है 22 दिसंबर 2021 की साकार मुरली। आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान से ही सदगति होती है। प्रश्न, इस ब्राह्मण कुल में बड़ा किसको कहेंगे, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर, ब्राह्मण कुल में बड़े से बड़े वह हैं जो अच्छी सर्विस करने वाले हैं, जिन्हें सदैव अपनी उन्नति का ही ओना ख्याल रहता है, जो पढ़ाई कर बहुत तीखे जाते हैं। ऐसे महावीर बच्चे अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में ही सफल करते हैं, अपनी चलन पर बहुत ध्यान देते हैं। गीत, तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। यह गीत अनकरेक्ट है। इस दुनिया में तुम जो भी सुनते हो सब है अनकरेक्ट, अर्थात झूठ। बाप बैठ समझाते हैं, हे भारतवासी बच्चों, बच्चे जो सम्मुख हैं उन्हों को ही कहेंगे। तुमको अभी मालूम पड़ा है वह है भक्ति मार्ग। वेद शास्त्र उपनिषद आदि कितने भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर पढ़ते आते हैं, गंगा स्नान करते आए हैं। पूछो यह कुंभ का मेला कब से लगता आया है, कहेंगे यह तो अनादि है, कब से करते आए हैं यह बता नहीं सकेंगे। उनको यह पता ही नहीं है कि भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है, कल्प की आयु ही उल्टी कर दी है। कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, यह एक गीता में ही है। अब बाप समझाते हैं, तुम ब्राह्मणों का दिन और रात है बेहद की, आधा कल्प दिन आधा कल्प रात, जरूर इक्वल चाहिए ना। आधा कल्प से भक्ति मार्ग शुरू होता है, यह किसको पता नहीं है। सोमनाथ का मंदिर कब बना, पहले पहले सोमनाथ का मंदिर ही बना है अव्यभिचारी भक्ति के लिए। तुम जानते हो आधा कल्प पूरा होता है तब ब्रह्मा की रात शुरू होती है, लाखों वर्ष की तो बात हो न सके। कहते हैं 13-1400 वर्ष हुए होंगे जबकि मोहम्मद गजनवी मंदिर से खजाना लूट कर ले गया। अब तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और धर्म वाले जो आते हैं वह सब बीच बीच के बाईप्लाट हैं। अभी तो उन्हों की भी अंत है, तमो प्रधान है, कितनी वैरायटी है। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी हुए, दो कला कम हुई, फिर दूसरे वैरायटी आते गए हैं। इसमें है ही भक्ति मार्ग। ज्ञान से होता है दिन सुख, भक्ति से होती है रात दुख। जब भक्ति पूरी हो तब ज्ञान मिले। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर बाप है, वह कब आते हैं। शिव जयंती कब मनाई जाती है यह भी किसको पता नहीं है। अभी तुमको बाबा बैठ समझाते हैं कि भक्ति कितना समय चलती है, फिर ज्ञान कब मिलता है। आधा कल्प से यह भक्ति मार्ग चलता ही आया है। त्रेता में यह भक्ति मार्ग के चित्र आदि कुछ भी होते नहीं, भक्ति का अंश भी नहीं रहता। अब कलयुग का अंत है तब भगवान को आना पड़ता है, बीच में किसको भगवान मिलता ही नहीं। कहते हैं पता नहीं किस रूप में भगवान मिलेगा। गीता का भगवान अगर कृष्ण है तो वह फिर कब आएंगे राजयोग सिखाने। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है, ज्ञान बिल्कुल अलग है। गीता में है भगवान वाच, गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। एक तरफ पुकारते रहते हैं, दूसरे तरफ फिर गंगा स्नान करने जाते हैं। निश्चय कुछ भी नहीं है कि पतित पावन परमात्मा कौन है। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला है, तुम जानते हो अभी हम योग बल से सदगति को पाते हैं। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, मैं गारंटी करता हूँ।
पतित पावन बाप कहते हैं, मैंने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे कहा था कि हे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मुझे याद करो। यह गीता के महावाक्य हैं, परंतु गीता मैंने कब सुनाई यह किसको मालूम नहीं है। मैं बतलाता हूँ कि 5000 वर्ष पहले मैंने तुमको गीता सुनाई थी। इसमें सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। तुमको भी अब बाप ने आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का सारे चक्र का राज समझाया है। बाप तो जरूर अंत में ही आएगा ना। तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह राजयोग है तो फिर हम प्रजा क्यों बने। जबकि मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो हम भी क्यों ना राजा रानी बने। मम्मा तो जवान थी, यह बाबा तो बूढ़ा है, फिर भी सबसे ऊंच पढ़ते रहते हैं ना। जवान तो सबसे तीखे होने चाहिए ना। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो जितना हो सके, बाकी सबको भूल जाओ। पुरानी दुनिया से वैराग्य। जैसे नया मकान बनता है तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है ना। वह आंखों से देखा जाता है, यह बुद्धि से जानते हो। बहुतों को साक्षात्कार भी होता है, बरोबर वैकुंठ पैराडाइज हैवन भी कहते हैं। जरूर कब था ना, अभी नहीं है। अभी फिर तुम राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पहली मुख्य बात ही यह है। शिव भगवान उवाच, कृष्ण तो भगवान हो न सके, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। भगवान तो जन्म मरण में आ न सके, यह तो बड़ा साफ है। कृष्ण का वह रूप सत्युग में जो था वह तो फिर हो न सके। पुनर्जन्म लेते लेते नाम रूप बदल जाता है। इस समय वह आत्मा भी तमो प्रधान है। कोई कहे कृष्ण द्वापर में थे, परंतु उनका वह रूप तो द्वापर में हो न सके। द्वापर में पतित से पावन बनाने आ नहीं सकता। कृष्ण तो सत्युग में ही रहते हैं, उनको पतित पावन कहा नहीं जा सकता। गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। वह आते भी जरूर हैं, शिव जयंती भी है, जरूर कोई रथ में प्रवेश करेंगे। खुद भी कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, जिनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह नॉलेज अच्छी तरह बुद्धि में याद रखनी है। बुद्धि में यह याद रहे कि हम स्टूडेंट हैं, बाप पढ़ा रहे हैं, बाकी थोड़ा समय है, फिर बाबा हमको वापस ले जाएंगे। जो अपने को ऊंच बनाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। परंतु माया ऐसी है जो एकदम तवाई बना देती है। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, छोटे छोटे गांव में प्रोजेक्टर लेकर सर्विस कर रहे हैं। बहुत प्रजा बनाते हैं तो खुद जरूर राजा बनेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी रहना है, बहुत मेहनत करनी है। माताएं पवित्र बनती हैं तो पति बनने नहीं देते तो झगड़ा भी चलता है। सन्यासी खुद पवित्र बनते हैं तो स्त्री को छोड़ देते हैं, फिर उनको कोई कुछ नहीं कहता कि अपनी रचना को छोड़ क्यों भागते हो। पवित्र बनने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। हम किसको घर बार छोड़ने के लिए कहते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं पवित्र बनना चाहिए तो इसमें मना क्यों होनी चाहिए। परंतु इसमें ताकत बहुत चाहिए बात करने की। भगवान उवाच, तुम पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। इसमें अवस्था बड़ी अच्छी मजबूत चाहिए, मोह आदि नहीं चाहिए जो फिर याद पड़ती रहे। बुद्धि योग कुटुंब की तरफ जाता रहे, इसलिए फिर सर्विस लायक बन नहीं सकते।
यहाँ तो बेहद का सन्यास चाहिए, यहाँ तो कब्रिस्तान है, हमको याद करना है बाप को, वह परिस्तान में ले चलने वाला है। इस ब्राह्मण कुल में जो अच्छे सर्विस करते हैं वह बड़े ठहरे, उन्हों का बड़ा रिगार्ड रखना चाहिए, उन जैसी सर्विस करनी चाहिए, तभी ऊंच पद पाएंगे। अभी तो अपनी उन्नति का ओना रहना चाहिए, अपने को देखना चाहिए, हम बाबा से वर्षा पाने के लायक बने हैं, बाप आया है पावन बनाकर साथ ले जाने, वह ठुकराएंगे कैसे। बाबा सबसे पूछते हैं तो कहते हैं हम तो महारानी बनेंगे, तो ऐसी चलन भी हो ना, कई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, परंतु जो पुरुषार्थी नहीं करेंगे तो वह क्या पद पाएंगे। हर बात में पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है, कोई बीमार पड़ जाते हैं फिर ठीक होने से ही दिन रात पुरुषार्थ में लग पढ़ाई में तीखे हो जाते हैं। यहाँ भी सर्विस में लग जाना है, सर्विस की युक्तियां तो बाबा बहुत बतलाते हैं, प्रदर्शनी पर समझाने का अभ्यास करो। बाबा तो कहते हैं अपनी उन्नति कर जीवन बनाओ, यह ओना रहना चाहिए कि मैंने कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया, किसको आप समान नहीं बनाया, तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। फिर समझा जाता है प्रजा में चले जाएंगे अथवा दास दासियां बनेंगे, ढेर सर्विस पड़ी है, अभी तुम्हारा झाड़ छोटा है, मजबूत नहीं है, तूफान लगने से कच्चे गिर पड़ेंगे। माया बड़ा हैरान करती है, माया का काम ही है बाबा से बेमुख करना। चलते चलते ग्रहचारी जब उतरती है तब कहते हैं अब तो हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, तन मन धन से पूरी सेवा करेंगे, कहाँ कहाँ माया गफलत कराती है, फिर श्रीमत पर चलना छोड़ देते हैं, फिर कभी स्मृति आती है तो श्रीमत पर चलते हैं। इसमें दुनिया में है रावण संप्रदाय, यह देवताएं हैं राम संप्रदाय, रावण संप्रदाय वाले राम संप्रदाय के आगे माथा टेकते हैं। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे, 84 जन्म लेते लेते अब क्या हाल हो गया है, अब बाप सबको पुरुषार्थ कराते हैं, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम भगवान की श्रीमत पर न चले, बाबा तो रोज समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो, सर्विस करने वालों को देखते हो कैसे अच्छी सर्विस करते हैं, फलाना फर्स्ट ग्रेड फलाने सेकंड ग्रेड में सर्विस करने वाले हैं, फर्क तो रहता है ना। बाप बच्चों को समझाएंगे तो सही ना, अज्ञान काल में बाप थप्पड़ भी मारते हैं, यहाँ यह बेहद का बाप तो प्यार से समझाते हैं अपनी उन्नति करो, जैसा हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप को खुशी होती है कि 5000 वर्ष के बाद फिर आकर बच्चों से मिला हूँ, राजयोग सिखला रहा हूँ, गीत है ना, तुम भी वही हम भी वही हैं, तो बाप कहते हैं तुम बच्चे भी वही हो, इन बातों को और कोई समझ न सके। अच्छा मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर 1, स्वयं को सर्विस के लायक बनाना है, जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अपनी उन्नति का ख्याल करना है। नंबर 2, तन मन धन से पूरी सेवा करनी है, श्रीमत पर चलना है, गफलत नहीं करनी है। वरदान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव।
जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इसी रीति से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। हर संकल्प, शब्द व कर्म उसी सेटिंग प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्मयोगी, निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देगी। स्लोगन, मैं के बजाय बाबा बाबा कहना, यही याद का प्रूफ है। मैं के बजाय बाबा बाबा कहना, यही याद का प्रूफ है।